अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है हमारा यूएसए अपॉइंटमेंट के हिसाब से। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कराची से और मुख्तलिफ सिटीज़ से, पूरे पाकिस्तान से ही लोग अपॉइंटमेंट के लिए परेशान हैं। 2023-2024 की अपॉइंटमेंट मिलती है और काफ़ी डिले हो रहा है लोगों के केस, और लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दो साल उनको वेट करना पड़ रहा है या डेढ़ साल वेट करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ हमारे मकसद, इस मकसद से हमने बनाई है अपॉइंटमेंट के हिसाब से, तो हम इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो आप लोगों को पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेके देगी, जिसमें ना आपके सालों लगेंगे और ना महीनों लगेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेके दी जाए। और ये हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही है, तो अपॉइंटमेंट के हिसाब से चाहे वो काफ़ी ट्रैवल एजेंट हैं जिनके पास टीम नहीं है और वो भी चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट मिल जाए, वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्लाइंट हो जो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हो तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम जल्द से जल्द आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम आपको न्यू ईयर पे यूएसए विज़िट करवाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था अपॉइंटमेंट के हिसाब से, तो आप अपॉइंटमेंट के साथ साथ हमारे साथ यूएसए का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने एक वीडियो इसलिए बनाई कि हम आपको ये बताएं कि आप यूएसए के अपॉइंटमेंट के साथ हमसे कंप्लीट केस प्रोसेस करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई करवा सकते हैं हमसे। और काफ़ी हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो दुबई से और आगे पीछे से भी हमें कॉल करते हैं, तो वो वहाँ रहते हुए भी हमसे केस प्रोसेस करवा सकते हैं। तो यूएसए के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट भी मिल जाए और उसके साथ साथ आपका केस प्रोसेस भी हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों की ये शिकायत है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि काफ़ी लोगों को ये परेशानी थी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। कोई कहता था 2023 की मिल रही है, कोई कहता है 2024 की मिल रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उसके लिए हमसे आप कंप्लीट केस प्रोसेस करवाएं, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट लेके दें। तो आपका केस जो है टाइम तो नहीं बता सकते, हर क्लाइंट की एक अलग डिटेल होती है, लेकिन ये है कि अगर आप हमसे आके मीटिंग करेंगे, ऑफिस विज़िट करेंगे, कराची तारिक रोड पर हमारा ऑफिस है, या हमसे फ़ोन पे बात करेंगे, तो हम उसमें भी आपको हर क्लाइंट के डेटा के हिसाब से बता देंगे कि आपको कम से कम कितने टाइम में अपॉइंटमेंट मिल सकती है, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और यूएसए एक अच्छी कंट्री है, आप लोगों को जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, और घूमने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ है, फैमिलीज़ के हिसाब से भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि बंदा किसी छोटी कंट्रीज़ में आगे पीछे किसी कंट्री में जाए और उसके बाद यूएसए का वीज़ा अप्लाई करे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, वरना हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पासपोर्ट पर आज तक वीज़ा ही नहीं लगा था और उनकी वीज़ा ट्रैवलिंग ही नहीं थी बिल्कुल, वो आज तक पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए थे, उनको भी यूएसए ने वीज़ा दिया। तो यूएसए वीज़ा को, यूएसए वाले जो हैं वो इस चीज़ को सिर्फ लाइक करते हैं कि आप सच बोलें, और आप अगर घूमने फिरने हमारी कंट्री आ रहे हैं तो आप घूमें फिरें हमारी कंट्री में, और आप वक्त पे जाएं, वक्त पे वापस आ जाएं। तो इस चीज़ का उनको यकीन दिलाना होता है जिससे वो आपको वीज़ा देते हैं। तो अगर जो रियल ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो घूमने वाले लोग हैं और जो चाहते हैं कि हम यूएसए जाएं और विज़िट करें, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2022 के दिसंबर में जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं न्यू ईयर के हवाले से यूएसए की, वो भी हमसे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।